प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो अदराम सबके बिन। वेलकम टू सत्या भैरवी चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भैरवी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सत्या। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नए पिक्चर के बारे में, एक नया पिक्चर जो हाल ही में रिलीज हुई है इस शुक्र को, जो है पानीपत। जी हाँ दोस्तों, ये बार की पिक्चर एक हिस्टोरिकल मूवी है जो पानीपत की पूरी बायोग्राफी पे निर्भर है, जो हिस्ट्री इतिहास में आखिर क्या हुआ था पानीपत में, जो पानीपत की लड़ाई पे निर्भर है। बाकी ये पिक्चर काफी अच्छा है और काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है। जैसे इस पिक्चर में हमारे जो हीरो के रोल कर रहे हैं अर्जुन कपूर, जो दरअसल एक आर्मी चीफ वॉरियर के रोल कर रहे हैं, जो सदाशिव राव जो कैरेक्टर कर रहे हैं इस पिक्चर में, और वो जो है एक पेशावर, नाना साहेब पेशावर के एक आर्मी चीफ है, जो पानीपत में जो थे वहां के राजा, जो नाना साहेब पेशावर के जो रोल कर रहे हैं हमारे मोनिश बैल। वाकई ये पिक्चर काफी अच्छा है। इस पिक्चर के डायरेक्टर जो आशुतोष गोवारिकर ने काफी अच्छा डायरेक्ट किया। उन्होंने एक एक कैरेक्टर को चुन चुन के उन्होंने एकदम सही तरीके से उन्होंने बैठाया है। वाकई काफी अच्छा है ये पिक्चर। इस पिक्चर में विलन के रोल कर रहे हैं हमारे संजू दादा, वाकई वो काफी अच्छे एक्टर है, उनके बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इस पिक्चर में एक अफगानिस्तान के बादशाह के रोल कर रहे हैं, जो अहमद शाह के रोल कर रहे हैं। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, पिक्चर बाकी देखने लायक है, प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है। अगर आप पानीपत की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, इतिहास में आखिर का क्या हुआ था, 18th सेंचुरी की कहानी है, जो उस वक्त एक पानीपत की लड़ाई के लिए जो जंग लड़ी गई थी उसके बारे में है। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, सब अच्छी तरह प्रेजेंट किया गया है। डायरेक्टर ने हर एक कैरेक्टर को चुन चुन के सही जगह बैठाया है। वाकई काफी अच्छा है, पिक्चर देखने लायक है, थिएटर में देखने लायक है। और इस पिक्चर में जो हीरोइन के रोल कर रही है कीर्ति सोनम, जो काफी अच्छा उन्होंने एक्टिंग की है। सभी एक हीरोइन एक हीरोइन की तरह नहीं, बल्कि एक रानी की तरह, एक झांसी रानी की तरह वो भी टूट पड़ती है, तलवार लेके लड़ने निकलती है। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, काफी अच्छा पिक्चर प्रेजेंटेशन काफी अच्छा किया गया है। और इसमें गेस्ट रोल की तरह आते हैं हमारे फेमस एक्टर, जो पुराने सीनियर एक्टर जो है जिनत अमान, बाकी उन्होंने भी काफी अच्छा एक्टिंग किया, एक छोटे से रोल की तरह अपीयरेंस की तरह आती है, पर काफी अच्छा उन्होंने एक्टिंग किया है। और दूसरी जो हमारे जो एक्सपीरियंस एक्टर जो है पद्मिनी कोल्हापुरी, वो भी काफी पुराने और काफी एक्सपीरियंस एक्टर है, उन्होंने भी काफी अच्छा एक्टिंग किया है। और बाकी सपोर्टिंग एक्टर जैसे नवाब शाह, उन्होंने भी काफी अच्छा एक्टिंग किया, उन्होंने भी एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर में सबने अपना काम, अपना अपना एक्टिंग, अपना अपना प्रेजेंटेशन काफी अच्छी तरह दिया है। और डायरेक्टर ने तो एक एक सीन और एक एक जगह सुन चुन के उन्होंने सेट किया है। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, एक दो बड़े योद्धा के बीच में लड़ाई होती है, जो अर्जुन कपूर और संजय दत्त के बीच। बाकी काफी अच्छा है पिक्चर, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है, बाकी पिक्चर देखने लायक है। अगर आप एक एक्शन मूवी देखना चाहते हैं और अपने हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं और पानीपत के इतिहास के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो पिक्चर वाकई काफी अच्छा है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है। एक एक सीन, एक एक ड्रेस कोड, एक एक सिनेमाटोग्राफी और डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक वाकई काफी अच्छा दिया गया है। और लोकेशन भी काफी अच्छा चुन के काफी अच्छा से प्रेजेंट किया गया है। बाकी डायरेक्टर तो काबिल तारीफ है, बाकी उन्होंने काफी अच्छा प्रेजेंट किया है। बाकी पिक्चर ये देखने लायक है, मुझे तो ये पिक्चर काफी अच्छा लगा, मैंने थिएटर में देखा। अगर आपको ये पिक्चर अच्छा लगा तो जरूर देखिएगा, बाकी आपको अच्छा लगेगा। इस वीकेंड में आप एंजॉय करना चाहते हो, एक एक्शन मूवी देखिए, एक इंडियन एक्शन मूवी जो हर एक हिस्ट्री के बारे में पूरी तरह बताते हैं इस पिक्चर में, पानीपत में, पानीपत पिक्चर में, बाकी काफी अच्छा, जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सत्या भैरवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो में अपलोड करता रहूंगा तो आपको हर एक चीज आपको मिलता जाएगा। वाकई ये पानीपत पिक्चर काफी अच्छा है, काफी अच्छा है और थिएटर में देखने लायक है। देखते हैं अभी बॉक्स ऑफिस में कितने अच्छी नाम कमा पाएगी और कितने अच्छे पैसे जमा पाएगी, अपनी अलग पहचान पाएगी। बाकी काफी अच्छा है और संजय दत्त की एक्टिंग काफी अच्छी है, बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, थिएटर में जाकर जरूर देखिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले इस तरह एक पिक्चर के रिव्यू के बारे में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर फैमिली मेंबर्स, रेस्पेक्टेड लीडर्स, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिएगा, तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।